उसको उन्होंने सच करके दिखाया, अल्लाह से जो अहद किया था उसको सच करके दिखाया, तो वो सच करके दिखाने वाले मरकज सिद्क हुए, ऐसे सिद्क हुए कि असदक सादिकीन उनको सादिक कहता। खुदा अगर किसी को सच्चा कह दे तो कोई झूठा ही होगा जो शक करे। तो खुदा सच्चा कह रहा है, मगर ये भी सोचना है कि सिद्ध है क्या, और तर्जमा मैंने सही तौर पर तो किया है, लेकिन मुकाम और आज के मुनासिबत की वजह से तर्जमा इतना अगर बसीत हो जाए कि ऐसे रिजाल कि जो सिद्क शियार वफादार सलावात भेजे, तो दोनों लफ्जों इस्तेमाल करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि सिद्क को वफा में क्या रिश्ता है, ये देखना है कि सिद्क और वफा इन दोनों में क्या रिश्ता। तो ये रिश्ता कौन बताए, वो नहीं जो दुनिया के रिश्तों में उलझा हुआ, वो रिश्ता वही बताए जो हबलुल मतीन हकीकत। तो नजल बलागा में इरशाद होता है इन्नल वफा तौअमुस सिद्क वला आलम जन्नतन औका मिन। लोगो वफा और सिद्ध एक साथ बतन मादर से पैदा हो। एक सलावात भेजो वफा
तौन कहते हैं जब दो बच्चे जोड़वा साथ पैदा हों। तो अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि वफा और सिद्क तौम है, यानी एक बतन फजीलत से दोनों मौजूद हैं। वफा भी बतन फजीलत से है और सिद्क भी बतन फजीलत से है। दोनों में फर्क यह है, जो बतन फजीलत वो है जो बतन इसमत है उससे सिद्क है, और जो बतन शजाअत है उससे वफा है। जो सिद्क का बतन से पैदा होकर इसमत के बतन से आया वो सरदार हो गया, और जो शजाअत के बतन से आया अलमदार हो गया। सलवा दीजिए मोहम्मद। अगर दोनों तौम हैं, सिद्क का ताल्लुक अकवाल से है और वफा का ताल्लुक अफआल से है। कहना सिद्क का काम, करना वफा का काम, तो यही राबता हुसैन और अब्बास में। सलवा दीजिए यही राबता हुसैन और अब्बास में। हुसैन कूनुमा सादिकीन के चमन का गुलदस्ता है, कूनुमा सादिकीन के चमन का वो गुल ताजा है जिसमें हर फूल की इतनी महक है कि सूंघो तो नबूवत की खुशबू भी आए, इमामत की खुशबू नखद भी आए और देर पा कायम रहे। सलवा सलवा दीजिए। मुझे अभी कहा गया कि दोनों मिला के पढ़ना है, तो इसलिए मैंने मिलाया और भेजा नहीं मिलाया है, कहीं बाहर से ला के नहीं मिलाया, घर से ला के नहीं मिलाया, मुझे उसी घर में मिला। अब जब एक ही घर में मिला है तो मैं जुदा करने वाला कौन, तफरीक डाल के मैं फारूक नहीं बन सकता। सलवा दे जो मैं क्यों बनने लगा। लिहाजा वफा के दर्जात मैंने पहले पढ़े, मुझे क्या मालूम था कि आप आखिर में फिर चाहेंगे कि मैं वफा करूं। लेकिन बहरहाल सिर्फ का सहारा है, तो इसलिए वफा भी उसी के जिलों में पहलू ब पहलू आपके सामने आता रहेगा, और इसमें कोई कलाम नहीं, मैं दोनों को मिला के पढ़ूंगा और दोनों को आपके सामने पेश करूंगा। मगर हाँ उसी तरह पर कि सिद्क वाला सरदार रहे, और यहीं तक सरदार न रहे जन्नत तक सरदार। लेकिन वफा वाला भी आगे आगे अलम लिए हुए अलमदार, इससे मर्तबा बढ़ेगा नहीं। कयामत में नबी चलेंगे तो अली अलम लिए आगे आगे होंगे, तो हुसैन नबी के कायम मकाम हैं, अब्बास अली के कायम मकाम हैं। और सलवा दीजिए मोहम्मद। सिद्क क्या है? खबर का मुताबिक वाक़े होना, कौल का मुताबिक वाक़े होना, यह है सिद्क। सच्चा आप किसे कहते हैं? जो वही कहे जो है, और अगर उसके खिलाफ कहे तो जो है वो तो अपनी जगह पर है। कहने वाला अगर खिलाफ कहेगा तो झूठा, और अगर उसके मुताबिक कहे तो सच्चा। इसी मसलन घड़ी है सामने, अब इस वक्त अगर मैं वो कहूँ पता नहीं ये घड़ी सच्ची है या झूठी है, भी तो घड़ी जाने,
क्योंकि घड़ियों का सही होना तो मालूम नहीं, वो तो एक सुई है, कभी दो मिनट इधर कभी उधर। इसीलिए घड़ी की सेहत पर कोई दलील अकली कायम नहीं है, एक रवाज है। क्यों? एक दूसरे से मिला के सही करता। अरे जिससे मिलाते हो वो भी सही है या नहीं, सलवा दे जाओ। तो जब एक दूसरे से मिलजुल के सही बना लेते हैं तो ऐसे बने हुए सही पर सही का इतलाक करना जरा मुश्किल है। सही वो है कि जिसको पैदा करने वाला सच्चा कहे, वो तो सही है, वरना घड़ी घड़ी राय बदलना। सलवा दे घड़ी घड़ी राय बदलना, साथ साथ अपने तखय्युल के में तगय्युर करना, हकीकतन ये सिद्क नहीं है। सिद्क वही है जो मुताबिक वाक़े हो। वाक़े का नाम हक है, मुताबिक का नाम सिद्क है। वाक़े हक और सिद्क में क्या फर्क है? जो वाक़े है, असली चीज है, वो है हक। और जब हम वही कहें जो है, तो ये हमारा कहना सिद्ध होगा। हम इसी में गिरफ्तार हैं कि हम अगर वो कहें तो सच्चे हैं, उसके खिलाफ कहें तो झूठे हैं। दिन को आफ्ताब निकला हुआ, हम कहें कि ये तो शाम रात है, तो आफ्ताब हकीकतन हक है, हमने जो रात कहा तो हम झूठे हो गए। काश हम उसको दिन कह देते तो हमें भी सच्चे की सनद मिलती, हम भी सच्चे हो जाते। तो जरा सिद्क व हक का फर्क एक ज़ुल्म है फिक्रिया ज़हन आली में रहे कि सिद्क जबी होगा जब हक मौजूद हो। सलावात लिहाजा अगर 12 बजे हैं, 5 बजे हैं, तो मैं 5 बजे को 5 ही बजे कहूं तब तो सच्चा हूं, और अगर मैं 5 को 4 कहूं तो मैं सच्चा नहीं हो सकता। और कहेगा देने वाला, अरे हमने 5 बनाया, तुमने 7, 4 क्यों कहा? मुताबिक न होने से आदमी रुसवा होता है, आदमी की रुसवाई होती है, खुसूसन अमानतों में। माफ कीजिएगा, मैं आपकी खिदमत में कहूंगा 5 रुपए आपको दे दूं कि ये जरा अमानत ले रहिए, मैं जश्न पढ़ के ले लूंगा, और आप जब खत्म करके मांगूं तो आप 4 ही निकाल के दें, मैं क्या कहूंगा? हमने 5 दिया था, 4 लेके आए हो। हमने 5 दिया था, 4 लेके आए हो। आप बताइए हमको कौन सनद मिलेगी, ईमान की या बेईमान कहा जाएगा? सलावात है ये तो मुताबिकत वाकई जरूरी है कि वाकई के मुताबिक। अब मैं आपसे पूछूं, और आप जरा गौर तो फरमाइए कि खुदा फरमा रहा है कूनू मा सादिकीन, हो जाओ सादिकीन के साथ। सादिक वो है कि जो हक के मुताबिक, वही तो सादिक है। लिहाजा अब हमें हक ढूंढना पड़ा कि हक कौन है जिसके मुताबिक ये सादिकीन होंगे, और इन्हीं के कौल पर अमल करने वाला साहिब वफा होगा और उसे वफादार कहेंगे। मालूम है आपको हर एक कहता है हक तआला, वो कौन है हक तआला? वो हकीकत कौन है? वो हकीकत है वाजिबुल वजूद, वो हकीकत है उसकी कि जिसमें तगय्युर नहीं, जिसमें इनकलाब नहीं, जिसमें तकस्सुर नहीं, जिसमें मकान जमान नहीं, जिसमें अज्जा नहीं, तरकीब नहीं, तहलील नहीं, इशारा नहीं, जुज नहीं, हलूल नहीं, तरयान नहीं, सरयान नहीं, जिसमें कुछ नहीं है, ऐसा है हक कि जिस हक में इम्कान के नकायस का गुजर नहीं, उसका नाम है हक। तो अब क्या मानी हुए?
صادق وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے مطابق ہوں. ایک صلوات دے دیا دانے باد غدیر. آج مجلس اس وقت نہیں ہے, اس وقت تم جشن آپ کی اصطلاح میں ہے, میرے لکھنؤ کی اصطلاح میں محفل فضائل. جب محفل ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ میں کدے میں رند جمع ہوں تو چپ کے پی کے چلو. نہیں جائیں گے. آج جب ساقی لٹا رہا ہے تو ہمیں کیا کمی ہے جو ہم جھوم جھوم کے نہ پیئیں. اس لیے اب معلوم ہوا کہ جن کو صادق کہا ہے وہ لوگ ہیں جو حق تعالی کے مطابق ہیں. مطابق کے کیا معنی؟ یعنی اللہ سے ان سے ذرا ان بن نہیں, ذرا مخالفت نہیں, ذرا انحراف نہیں, کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. جب اختلاف نہیں ہے تو پھر جو کچھ اللہ تعالی کہتا ہے وہ اس آئینہ امکان میں نظر آتا ہے, جو اس کی شان ہے اس کا مظہر یہ بن جاتا ہے. لہذا اللہ کے مطابقت کی وجہ سے ان کو صادق کہا گیا. یہ نقطہ پیش نظر رہے, لیکن اللہ نے تو صادق کہا اور پیغمبر نے صادق نہیں کہا. پیغمبر نے کہا کہ علی مع الحق صلوات. علی مع الحق والحق مع علی یدور حیثما دار. علی تو حق کے ساتھ ہے اور حق بھی علی ہی کے ساتھ. حق چلتا ہے پیچھے پیچھے جدھر جدھر علی جاتا. ہمیں اب شرم نہیں معلوم ہوتی, کثرت نہ صحیح, حق تو پیچھے ہے. بھائی حق تو پیچھے ہے اور اللہ رے ذات امیر المومنین, اللہ رے جلالت ولایت مطلقہ. حق برابر برابر نہیں چلتا, پیچھے پیچھے چلتا. معاف کیجئے گا, جو پیچھے رہے گا وہ معموم بن جائے گا, جو آگے ہوگا وہ امام ہوگا. تو جب حق کے آگے ہیں تو اب ہم کسی اور کے پیچھے سمجھیں؟ چلوا دے گا. ناممکن ہے, ناممکن ہے. حضرت نبی نے اعلان کر دیا کہ حق اور زیارتوں میں ہے کہ الحق منکم وفیکم وعلیکم. حق تم میں ہے, تمہارے تم سے ہے, تمہاری طرف ہے سب کچھ. زیارتوں میں جامع کبیر کے آپ کو ملے تو معلوم ہوا کہ مرکز حق ہیں. جب مرکز حق ہیں تو اب میں کبھی اللہ کا کلام قرآن کو دیکھتا ہوں, صادق ہیں رسول کو دیکھتا ہوں, حق ہیں. دونوں میں میری عادت لڑانے کی نہیں ہے کہ اللہ اور رسول میں میں پھوٹ ڈالوں, کہوں کہ آپ تو صدق کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں. اپنے فہم اور اپنے عقل کو کامل کر کے سمجھ. ہم نے اور ہمارے رسول میں کبھی اختلاف ہوگا؟ اگر اختلاف ہوتا تو میں اس کے کلام کو اپنی وحی بنا لیتا, یہ کہہ دیتا کہ جو یہ کہے وہ میرا کلام ہے. یہ کہنا ہی دلیل ہے کہ میں نے اور اس کو اتنا اختیار دیا ہے کہ اس کا کلام میرا کلام, اس کی اطاعت میری اطاعت, اس کی بیعت میری بیعت. جب اتنا اتحاد ہے تو اختلاف کیسا پالنے والے پھر سمجھ میں نہ آیا. کہا سمجھ, جب اہل بیت کا مقابلہ اللہ کا ہوتا تو وہ حق ہوتا ہے, یہ صدق ہوتے. اور جب اہل بیت کا مقابلہ خلق کا ہوتا ہے تو یہ حق بن جاتے ہیں. خلق مطابق ہے تو صادق, اور اگر مخالف ہے تو کاذب. بلوا دے گے وہ بلوا. اب جو آل محمد کے موافق ہوگا
वो मुआफिक सादिक होगा, और जो आले मोहम्मद के मुखालिफ होगा वो हक के मुखालिफ है, और जब हक के मुखालिफ है तो माफ करना सादिक नहीं होगा। पहले इसम फाइल का सेगा तो बना लो, फिर मुबालगा करना। सलवा देंगे बेसलवार ज़्यादा रोज अव्वल से मरकज़े सिर्फ वजूद मोहम्मद व आल मोहम्मद। क्यों? इसलिए कि आईने इम्कान में पहला जलवा जो नजर आया वो नूर मोहम्मदी का था, और जब पहला जलवा यही था तो आईने इम्कान में जलवा नूर मोहम्मदी का चश्म मशीयत ने देख कर मुद्दतों अपने पहलू में रखा, और ऐसा सन्नाटा था कि कोई अभी मौजूदात में मौजूद ही न था, और कोई मखलूकात में अभी उसने सहने आलम में कदम रखा ही न था। असीरान अदम से खाने इस्तेहकाक में इस तरह तड़प रहे थे कि उम्मीद की किरण भी नहीं फूटती थी, क्योंकि कोई नज़र आज़म भी न था। कारमान खल्क पीछे खड़ा हुआ इस्तेहकाक के सागर लिए हुए, कोई ऐसा न था जो वजूद का दरवाज़ा खोलता। एक मरतबा नूर मोहम्मदी आगे बढ़ता है और दस्तक दे देता है, दरवाज़ा खुल जाता है, कैदी आज़ाद हो जाते हैं। अब आलम में चहल पहल है, जो जम जाता है वो ज़मीन है, जो बुलंद होता है वो आसमान है, जो चमक जाता है वो तारा है, जो बैठ जाता है वो पहाड़ है, जो खड़ा है वो शजर है, जो रवा है वो दरिया है, जो लतीफ़ है वो पानी है, और जो जला दे वो आग है, और जो शरीफ है वो मुकीर है। सलवा दीजिए मुहम्मद। ये क्यों है मैं मुख्तसर कहूंगा, क्योंकि मैं तो थका मांदा बकौल शख्स पकड़ के आके यहां बैठ गया हूं, लिहाजा मुझे भी जज्बा है, और मैं उधर आऊंगा जिसकी ये सब है। सलवाद मशीयत के कार फरमाइयां हैं, अल्लाह के आलम की मशीयत है, नूर अव्वल के जलवे हैं, और उसी से तमाम विसात आलम इम्कान उसी से मुरतब की जाती है। इब्न अब्बास से पूछो जिन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा था, और आपने वो तमाम हदीस बयान फरमाई थी कि आलम बना क्यों कर है, तो सब चीज़ें अपनी तरफ बताई थी। हमारे अनवार थे, किसी से अर्श बना, किसी से कुर्सी, किसी से समावा, किसी से अर्जीन, किसी से शम्स व कमर, और आखिर में कहा था कि और हुसैन के नूर से जन्नत हो रही। हम मरे जाते हैं जन्नत के लिए, तो फिर जिसके नूर से बना कैसे उसे भूल जाए, जन्नत में जाना है। लिहाजा हुसैन का तस्करा करके ऐसी सबील निकालो कि दरे जन्नत खुद ब खुद खुल जाए। सलावत है हज़ा नूर पैगंबर इस्लाम और अहले बैत रिसालत। अभी तो वहदत का आलम है, नूर में तकसीम भी नहीं है, एक ही नूर है, मैं उसे क्या कहूँ। यानी वहदत कसरत फेज और कसरत वहदत नुमा, कसीर भी है और वाहिद भी है, उसके मुकाबले में कसीर है, हमारे मुकाबले में वाहिद है। जैसे उसके मुकाबले में सिद्ध है, हमारे मुकाबले में हक है। वो आलम है, और जब वो आलम है तो एक वक्त आता है कि खुद पैदा करने वाला चाहता है कि मैंने ये नूर जो बनाया खल्क किया है, मुद्दत तक मैं खुद देखता रहा, और उसके बाद इरशाद हुआ वह अंतल मुरीद, तू ही मेरी मुराद है और तू ही मुरीद है। यह हदीसों का जुमला है, आज मुरीदों की कमी नहीं है। सलावत है।
लाखों मुरीद मिलेंगे लाखों, लेकिन वो वक्त था सुबह अजल वाला कि जिसमें मुरीद अल्लाह बता रहा है, और यही वो मकाम है कि जिस मकाम पर सदकू मा आहदुल्लाह अलैह, इसी मकाम पर अहद हुआ है एक सलावत। देखिए ऐसे मौके पर अहद नहीं लिया है कुदरत ने कि जब आवाजें टकरा रही हों, जब इरादे बदल रहे हों, जब लोग पहलू बदल रहे हों, जब लोगों के अंदर जज्बात की मौजें उठ रही हों, जब चीख पुकार हो, जब भरी महफिल हो, नहीं नहीं ऐसे में कही बात भूल जाती है। उजर का मौका होता है कि हाँ वो हुल्लड़ हंगामे में हमने सुना नहीं, हमें पता नहीं। अल्लाह ने कहा मैं उस वक्त लूंगा कि जब अनासिर की चहार दीवारी कायम ही न की जाए, और जब जिस अजसाद बना ही न जाए, जब इंतजाज हुआ ही न हो, जब जमादात जमे न हों, नबातात उभरे न हों, हैवानात चले न हों, तयूर उड़े न हों, आलम में चहल पहल न हो, और कोई चीज़ दुनिया में न हो, सन्नाटा हो, अरवाह का आलम हो, और रूहें इस तरह हों कि मेरे मशीयत के पेश नजर हों। और सुनने वाली रूह होती है, जिस्म नहीं होता। जिस्म नहीं होता वरना मरने के बाद क्यों नहीं मुर्दे को सुनाते? जिस्म तो मौजूद रहता है मगर नहीं नहीं, जहां रूह रहती है वो तो सुनाते हैं, और जहां रूह नदारत वो सुनाते ही नहीं। इससे भी पता चलता है कहीं कोई मरता है तो मर ही जाता है, और कहीं बज़ाहिर मरता है तो बातिन जिंदा रहता है। तब हम कहते हैं सुनो सुनो सुनो, सलावत दीजिए। तो सुनने वाली रूह है, जिस्म नहीं है सुनने वाला। तो आलमे अजसाद का पता नहीं है, सिर्फ आलमे अरवाह है, और निगाह कुदरत आलमे अरवाह में अहद ले रही है, अहद ले रही है। आवाज आते अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अब ये नगमा जो गूंजा आलमे अरवाह में, किसी में दम है जो कहे कि नहीं? अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला, सबने कहा बला, कोई नहीं रुका। क्या बला के थे? आलू बला, सबने कहा बला, फिरौन ने भी कहा, हमान ने भी कहा, नमरूद ने भी कहा, तवागीत जमन ने भी कहा, सलातीनों ने भी कहा, हर एक ने कहा। क्यों न कहें तो क्या करें? न भागने की जगह है, न छुपने का मौका है, न कोई और मकाम हो। तुम बड़ी मजबूरी है, मजबूरी से इकरार करना और है। सलावत दीजिए। मजबूरी वाला इकरार और है, ज्यादा सबने कहा, इसलिए कह दो। भला कहने में क्या नुकसान है? बकौल बख्याल उनके भला टलेगी तो कह देने में क्या नुकसान? सब ने कहा बला, लेकिन क्या उस सुबह अजल बला कहने वाले जब आए हैं दुनिया के फर्श पर, तो एहतराम रहा बला का? वहां बला कहा यहां फिरौन हुआ, वहां बला कहा यहां हमान हुआ। मालूम होता है मौके पर इकरार और मौके से हट जाने के बाद इनकार, ये पुराना है शियार। मौके पर इकरार, क्या साख्त है अव्वल व आखिर नस्बत दारत, आप खुद ही अरबाब नजर हैं। यानी आलम अरवाह में अलस्तो पूछा था, जवाब में बला मिला था, और जब खत्म होने लगा है मरहला, आखिरी मोहर करनी है, तो फिर आवाज बुलंद होती है अलस्तो औला, सलवा दे।
अलस तो ओला, फिर वही अलस का आया। मालूम होता है कि अव्वल का नक्श आखिर के आईने में जब आया है तो वही अलग तो था। अरे काश जवाब बदल गया होता। जी नहीं, जवाब भी नहीं बदला, जवाब भी नहीं बदला। नबी पूछता है अलस तो औलाद है कौन, फिर वही जवाब कालू बाला। खुदा मालूम बाला कहां से चला। तो एक तरफ नगमे उलूहियत लब मोहब्बत से गूंजा, बला कवारस में चला। आते आते कहां कहां ये बला हुआ। अब इसके बाद जब दोनों वर्क हमने मिला दिए तो तारीख की बयाज उसी तरह मुरतब हो गई। उस दिन जो था वो इस दिन भी था। ऐसे अहद में हुजूर क्या इस अहद के खुदावंद आलम मदा करेगा। अब इसीलिए तो कैद लगाता है कि सदकू माहदुल्लाह, मर्द वही थे जिन्होंने बला कहा तो साबित कदम होके सच बना दिया। बहरहाल सुनिए कहां तक मैं। लिहाजा वो नूर पर नूर रिसालत, तो बागबान अजल ने जब उसके ज़िराअत शुरू कर दी कि वो नूर एक ही न रह जाए बल्कि नूर से दुनिया मामूर हो, तो उसने जमीनें ढूंढी हैं। मलाका के जमीनें इस काबिल न थीं कि नूर के तुखम रेजी की जाए। लिहाजा उसने चाहा कि एक नूर है मगर जब तुखम रेजी करूंगा तो एक इससे सुंबला और बाली पैदा होगी, और उसमें जितने दाने होंगे मुशाबे होंगे, उसी के होंगे दूसरे नहीं होंगे। जमीन ढूंढी गई, आदम मिले, क्योंकि यही एक जमीन थी। और कहाँ उस नूर को रखता खल्लाक आलम, किस जगह उस नूर की ज़िराअत होती। आग में डालता तो जल जाती ज़िराअत, पानी में डाल दे तो सड़ जाए ज़िराअत, हवा में उड़ाए तो उड़ जाए ज़िराअत। एक तो राह भी रह गई है कि इसी में वो ज़िराअत कर रहा है। मलाइका से हुक्म होता है ज़रा जाओ मिट्टी तो लाओ, लाओ मिट्टी। आसमान से उतरते हैं, जमीन पर आते हैं, जहां जहां हुक्म है वहां से एक एक मुट्ठी मिट्टी लेके जाते हैं। आज हमारी किस्मत चमकी, बड़ी धूम आसमान की थी, मगर जब ये वाकया मैंने देखा तो मुझे कहना पड़ा कि खाक नहीं आसमान। एक सलवा देगा बड़ी धूम आसमान आसमान, मगर क्या है खाक नहीं आसमान। जब खाक भी नहीं है वो भी हम ही खाकसारों की झोली में मिली और यहीं से ले गया आके मलाइका। मगर वाह क्या कहना, अपना नायब जो बनाता है तो पाकीजा मासूम मलक के हाथों मिट्टी मंगवाता, यानी खताकार का हाथ मिट्टी में भी लगने नहीं दिया। जाओ लाओ, लाए मलक हाथों हाथ वो मिट्टी। मैं खुश हो गया कि चलिए मेराज हो गई उस खाक को कि जो इस्मत के हाथों जमीन से फलक पर जा रही है। बनाया कुदरत ने, देर न हो जाए जल्द जल्द मैं अर्ज कर रहा, बनाया कुदरत ने आदम का पैकर बना और जो कुछ रूह फूंकनी थी वो फूंकी, और उसके बाद वो नूर की जिसको वदियत कर रहा था वो हजरत आदम में वदियत किया गया। आदम के किस्मत चमक थी, नूर का आना था कि मलक के सफ़े सजदा करने लगी, मलक के सफ़े सजदा करने लगी। उनके पास नूर आया तो सजदा हुआ, आपके पास आया तो सलवात भी ना हुई। लिहाजा सुल्वे आदम में नूर वदियत किया गया। जब सुल्वे आदम में वो नूर आया है तो हजरत आदम को महसूस नहीं, यकीन हुआ कि मेरी पुश्त में नूर है, महसूस यकीन था मगर नजारा नहीं कर सके, देख नहीं सके। मगर बेदेखे आदम यकीन कर रहे थे, यकीन था कि है
मैं देख नहीं सकता। ये पहला इम्तिहान है, यूमिनूना बिलगैब, ये पहला इम्तिहान है यूमिनूना बिलगैब का। आदम का इम्तिहान यही से शुरू हो गया, लाओ गैब पर ईमान। आदम तो लाए, बनी आदम, आदम के अगर बेटे हैं तो बाप का तरीका छोड़ना न चाहिए, ईमान बिलगैब रखना पड़ेगा, यही तकवा होगा, यही परहेजगारी होगी। मुद्दत तक, अब हजरत आदम जिधर जाते हैं मलक मुड़ते हैं, मलक मुड़ते हैं। उस दिन आदम बराबर देखते हैं कि मैं क़िबला बना हुआ हूँ और मलाइका मेरे पीछे सजदा कर रहे हैं। आखिर शौक हुआ, अर्ज किया पालने वाले मैं भी तो देखता, तो माफ करना शौक ज़ियारत कुछ हमारा ही नहीं, चलवा दे जाऊ। शौक ज़ियारत कुछ हमारा ही जज्बा नहीं है, ये बाबा आदम का भी जज्बा था। उनको भी वाले दुआ कबूल हो, आपको भी अगर शौक ज़ियारत है तो शौक ज़ियारत करते रहिए, दुआ कबूल होगी, आप भी जाएंगे ज़ियारत करेंगे। खुदा ने कहा अच्छा आदम लीजिए। आदम के कहने से अब पुश्त से मुंतकिल कर दिया, मगर पेशानी नहीं। अब मुंतकिल तो हो चुका पुश्त, लेकिन ऐसी जगह आया कि आंखें नीची और नूर ऊपर। अब देखें तो कैसे देखें, अब सामने मलाइका आके सजदा कर रहे हैं और आदम देख रहे हैं, सजदा रेज हैं मलकूत, लेकिन जिसके लिए है वो मैं नहीं देख रहा। फिर इम्तिहान हुआ दोबारा गैब का, दोबारा ये गैब। अब जब फिर बेचैन हुए हजरत आदम तो खल्लाक आलम से अर्थिया पालने वाले मुंतकिल तो हो गया, लेकिन मैं महरूम, मैं देखूं आंखों। फिर दुआ कबूल हुई हजरत आदम की और कहा कि अच्छा लो, अब नूर यहां से मुंतकिल होकर हजरत आदम की उंगलियों में आया, पांचों उंगलियां पंजतन की निशानी। पांचों उंगलियां पंजतन की निशानी बन गईं। अब कुदरत ने अजब तरतीब से रखा है, मैं अपने मतलब तक आ रहा हूं, अजब तरतीब से रखा है अंगुश्ते शहादत में नूरे जनाब मोहम्मद मुस्तफा। इस उंगली में सरकार दो आलम का नूर सिराजन मुनीरा, उसके बाद वाली उंगली में वल कमर इज़ा तला, आपके मौला अली इब्ने अबी, उसके बाद वाली उंगली में नूर सिद्दीक़े कुबरा हजरत फातिमा। आखिरी उंगली में नूर इमाम हसन मुज्तबा। चार उंगलियां इसमत की लौ दे रहे, ये वो शमे हैं जो बारगाह कुद्स से मशीयत पर रोशनी डाल देंगे। आदम मालूम नहीं क्या क्या नजारा कर रहे हैं, लेकिन इसमें रसूल का नूर, इसमें अली का नूर, पहले तो फासला नहीं था, बिला फसल ही रखा, इब्तदा से बिला फसल चला आ रहा है, क्या करूं, उसी तरतीब से रखा। अब एक बच गया था कि नूरे हुसैन कहां हो, तो हदीस में है कि वो इबहाम अंगूठे में, अंगूठे में है, कितना नबूवत से मिला हुआ, सलवा दे दे। कितना नबूवत से मिला हुआ है। यूं पांचों नूर हुए, बस मुझे यहां तक आना था। आदम मुबारक हो, अब आपके कब्जे में नूर आ गया,
कब्जे में नूर आ गया। अब आप जब चाहते हैं यूं अपनी उंगलियां देखते हैं और उसमें अनवार खमसा नजर आते हैं और नजारा फरमाते रहते हैं, मगर अरबाब दिल आपने सोचा भी कि ये अंगूठे में होने का क्या समरा निकला? अल्लाह अल्लाह, क्या मैं कहूँ हुजूर वाला, आज जो बच्चे पैदा होते हैं खुदा जानता है, हुजूर ने ये उंगली न ये उंगली न ये अंगूठा चूस, और बच्चे तो फितरत का नमूना है, मानना पड़ेगा कि ये इशारा करते हैं बच्चे, हुसैन जान फितरत है। अंगूठा ही चूसते हैं तो नहीं मालूम होता है कि फितरत का तकाजा है कि बशरियत आदम की औलाद उसी से वाबस्ता हो जो चश्मे फितरत है, जो चश्मा है फितरत का। और एक बात मैं यूं कह दूं और कहा करता हूं, कोई नया आदमी तो नहीं हूं, कोई कागज आज नहीं मोतबर होता जब तक अंगूठे का निशान ना हलवा दे दिए। अरे वकील साहब हैं साहब, आज महकमे कायम हैं, दफ्तर कायम है, स्पॉट इसके हैं, क्या हैं क्या हैं, तहरीरें मुश्तबा हो जाती तहरीरें मुश्तबा हो जाती, दस्तखत करने वाले जाल बनाते, तो जाल खुलता कैसे है जब उसके पहचानने वाले होते हैं, भेजा जाता है और वो क्या पहचानते हैं, ये नहीं देखते ये नहीं देखते ये नहीं देखते, देखते हैं अंगूठे का निशान है कि नहीं। तो कागज मोतबर जब है जब अंगूठे का निशान, कुदरत ने बनाया हुसैन को, अमल का दफ्तर जब मोतबर है जब हुसैनी मोहर लगे। इसलिए हुसैन हुसैन मालिक फितरत बन गया, हुसैन की तस्दीक पर अमल इंसानी का दफ्तर काबिल एतबार हुआ, और इसी बिना पर हुसैन के नूर से जन्नत बनी, हुसैन के मुहर से दफ्तर अमल इंसानी मुकम्मल हुआ। अब हुसैन से अलग हो के जहाँ जाना है दुनिया जाए, जहाँ जाना है, क्योंकि जन्नत तो सिमट के आ गई, जन्नत आ गई, एतवार हो चुका, अब मुझे कोई बहस नहीं है, रास्ता खुला है, माशा करण व इम्मा कपूरा, जिधर जिसका जी चाहे जाए मैं रोकता नहीं। लिहाजा अब आदम के वक्त से फितरत हुसैन के गिर्द आई, फितरत जो आई तो सिदाकत निर्वाह जुम्मानी करने लगी, सिदाकत जो सामने आई तो तवक्कुल माथे का पसीना पोंछने लगा, और जब ये आया तो कुदरत ने देखा कि आए तो खीर की चादर क्यों ना उठा दी जाए, लिहाजा उठा दी, दुश्मनों का खौफ था कमर में जुल्फ़िकार लगा दी, और ऐसा बना दिया कि जितने महासिन थे वो सिमट के हुसैन के गिर तवाफ करने लगे, लेकिन जितने नकायस थे वो जहल बन के अपना मरकज ढूंढने लगे। आखिर दुनिया अलग हो गई, दीन अलग हो गया, दुनिया ने अपनों को समेटा, दीन ने अपने को कलेजे से लगाया, दीन में इल्म आया, अक्ल आई, हया आई, वफा आई, तक्वा आया, एक माकारी में अखलाक आए, दुनिया में गद्दारी, बेवफाई, मकर, हीला, कुफ्र, इल्हाद, निफाक, ये दोनों दुनिया, अब दुनिया और दीन सिमटने लगे, मजहर बनने लगे, जमाना चलने लगा, नतीजा आखिरी ये निकला कि जितनी बुराइयां थी वो शाम में पहुंच गई। चलवा दे ये बुराइयां थी वो शाम में पहुंच गई, और जितने महासिन थे वो इराक में आ गए, इराक के तल सुबह की तलहट और शाम की वो वहशत, अब दोनों का जब तकाबुल होने लगा तो शाम ने यजीद पेश किया, इराक ने हुसैन पेश किया,
दीन इधर दुनिया उधर। अब जो टकराव होता है हुजूर, तो न पूछिए कि क्या अंदाज होता है। इधर से इल्म चलता है, उधर से जहल आता है, इधर से अकल चलती है, उधर से सफाहत। कनात के तकिए हैं, वही के जलवे हैं, मुतशाबहात के पर्दे हैं, मुहकमात की आवाजें हैं, दरवाजे पर ज़ुल्फ़िकार का पहरा है, घर में आयतों के तमाम नुमाइश है, और सबके बीच में एक बारह दरी बनी हुई है। एक बारह दरी बनी है जिसमें आके देख तो हर दरवाजे से एक ही जलवा नजर आता, हर दरवाजे से एक ही जलवा। इधर से देखा तो मोहम्मद, उधर जाके देखा मोहम्मद, उधर जाके देखा मोहम्मद, आखिर कहना पड़ता है कि कुल लो ना मोहम्मद, कुल लो ना मोहम्मद। पूरा मोहम्मद से सजा हुआ। एक रुख मैंने पढ़ दिया, दूसरा नहीं पढ़ूंगा। सलावत दे दिए मोहम्मद, अब ये हमारे का जो पेश होता है तो कुदरत देखती है कौन है जिसने हमारा अहद पूरा किया है और कौन अहद शिकन है। लिहाजा कुरान में आता है मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैह। हुसैन ने वो अहद पूरा किया जो रोजे अलग किया था। वो अहद क्या था? अलग तो बेरबुकुम, क्या मैं रब नहीं हूँ? हुसैन ने कहा बेशक तू रब है, और जब रब है तो हुसैन तेरी रुबूबियत का परचम लहरा के रहेगा। हुसैन तेरी रुबूबियत का इकरार करके जाता है। चुनाचे हुसैन ने रुबूबियत ही का परचम लहराया है। यजीद चाहता था कि उसको रब कहें, यजीद चाहता था, क्यों? कि मदीने में जो बैत हुई है तो यजीद ने अपनी मबूदियत की बैत ली है, मदीने वालों की अब्दियत करार दी थी। तो मालूम होता है रुबूबियत का झगड़ा था, सल्तनत का नहीं था, हुकूमत का नहीं था, खानदानी नहीं था, जो कुछ था वो ये झगड़ा था कि रब के अलावा और भी रब है या नहीं। हुसैन कहता था बस वही रब है, कोई और नहीं है। इसी बिना पर हुजूर जंग जदल मारका हुआ, वरना हुसैन को मारके की जरूरत क्या? ख्वाहिश सल्तनत की होगी। एक सलावत है ये हुसैन इतना मुस्तगनी है हुकूमत से, क्या कहूं मैं, कह भी नहीं सकता सर, कि बाप ने उसके इब्ने अब्बास से कहा था मकाम ज़िकार में कि इब्ने अब्बास ये मेरी टूटी हुई नालायन है, इसकी क्या कीमत है? कहने कोई कीमत ही नहीं बाजार में, इतनी शिकस्त। तो कहा था इब्ने अब्बास तुम्हारी हुकूमत से मुझे ज्यादा महबूब है ये नालायन। तो जिसका बाप हुकूमत और शाही को नालायन के बराबर न समझे, भला उसे हुकूमत और कहीं बादशाहत की ख्वाहिश होगी? नहीं वल्लाह, कभी नहीं, वरना होता तो अली न कहते कि मेरी नालायन के बराबर। मुझे ताज्जुब उनसे है जो कहते हैं लड़के ले क्यों नहीं, मैं टूटी हुई नालायन कोई चोरा ले जाए तो तुम लड़ोगे? सलावत है हुई नालायन कोई चुरा ले जाए, तब मजमा है बेहमदिल्ला चप्पल पहन के लोग आए हैं, पुरानी चप्पल टूटी हुई जो कल फेंक देते वो कोई उठा लेंगे। अब मैं जब जानू कि वो तलवार खींच के दरवाजे पर खड़े हो जाए, चले तलवार क्यों हमारी वो पुरानी चप्पल? मियां क्या बदल रहे हो, पुरानी शिकस्त जिसका दाम नहीं, दो चार आने में भी तो कोई मोल न लेता, जाने दो। ऐसी चीज अहब है, ज्यादा प्यारी है हुकूमत से। अब आप देखिए बुलंद निगाही अपने मौला की, बादशाहत से वो नालायन ज्यादा प्यारी। जब इतना जिसकी नजर बालिग बुलंद हो उसका फर्जंद हुकूमत के लिए लड़ेगा, हुकूमत के लिए जंग करेगा, और हुकूमत के वास्ते वो ये सब करेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, हुसैन इब्ने अली की बुलंद निगाही कभी इसे गवारा नहीं कर सकती। मेरे मौला तेरी नालायन के बराबर वाकयन नहीं है ये सब, कहां तेरी नालायन जो मेराज में चली जाए। सलावत सलावत
कहां वो दर्जे, कहां वो चीजें, तू हाथ लगा दे तो नालायन में राज में पहुंचे, तू हाथ लगा दे तो नालायन में राज में पहुंचे। हमारे लिए दर्श हजूर क्या आयतुल्लाह के हाथ की बरकत थी कि नालायन भी पहुंच गई। हम अगर अली के कदम ले लें मजबूत तो कहां पहुंचेंगे हमें मालूम, कहां पहुंचेंगे, कितनी दूर जाएंगे। मगर शर्त यही है कि नालायन ने कदम छोड़ा नहीं था, वरना छोड़ देती कदम तो न पहुंचती। कदम लो तो ऐसा मजबूत लो कि कहीं छूटने न पाए। अली नमाज पढ़ते थे तो पढ़ो, अली रोजा रखते थे तो रखो, अली के किरदार को सामने लाओ। ये सब जश्न, ये मजलिस, ये सब चीजें जो हो रही हैं वो इसीलिए कि जो राबता अली से जरा मुजमहिल होने लगता है तो हुसैनी तस्करा मजबूत बना देता। और यहाँ आकर हम इस तरह से पाक व पाकीज़ा हो जाएं कि अली से हमारा राबता इतना मजबूत हो जाए कि फिर क़यामत तक टूटने के काबिल न रहे। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने जब ये कहा तो हुसैन इब्ने अली इतना नाज परवरदे रिसालत, भला उसके लिए ये मुमकिन है कि वो ये कहे कि मैं हुकूमत के लिए लड़ने आया, मैं सल्तनत के लिए लड़ने आया। क्या चीज़ है शाम की सल्तनत, क्या चीज है वो थोड़ी से जोग्राफिए की हुकूमत, अरे कोई चीज है। अली का मुकाबला जब हो गया था तो माफ करना, ज़ुल्फ़िकार की आंच पर जितने शामी थे कबाब बन गए। सलवा दे ये रहा, जरा बलंग चलवा दे, कोई उनको कोई रोकने वाला न था, कोई उनको डर न था। और ये कहिए कि हुसैन के पास कहां थी दोहरी तलवारें, अली की दी हुई जो आसमान से आई वो अलग मौजूद थी, और अब्बास जो मुस्तकिल शमशीर वफा था तलवार वो अलग मौजूद था। लिहाजा हुसैन को क्या परवाह थी दुनिया की, क्या परवाह है सनद की, कुछ भी नहीं, कोई परवाह न थी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बराबर का मारका मुतारदा होता हुआ आखिर हुसैन की शख्सियत आज इतनी गालिब आ गई कि पलट गया मैं यार फतो शिकार, पलट गया मैं यार फतो शिकार। अरे फितरतें टूटती थी हुसैन की अदाएं देख के, वो ऐसा था कि मैं उनकी मजा क्या करूं। आज शबे विलादत बासाहत है, दो एक जुमले और सुन लीजिए मुझ में कहां ताकत है, ताकि हाले विलादत भी तो सामने आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूं मैं पैगंबर इस्लाम तशरीफ ले गए शबे मेराज वापस आए, एक दिन जिब्राइल अमीन खिदमत में आते हैं, आते हैं तो आकर कहते हैं यार रसूल आज तो अजीब मारे का अजीब बात देखी। क्या? एक फरिश्ते को देखा था पहले हमने, 70,000 इधर 70,000 उधर तख्त पर बैठा हुआ ये वो, और वो आ जाता था तो देखा कि एक पहाड़ पर पड़ा हुआ है। मुझे आते देखकर कहा भाई जिब्राइल अल्लाह से मेरी सिफारिश कर दो, तुम सिफारिश कर दो। हुजूर मैंने जाके अल्लाह से सिफारिश कर दी, आवाज़ आई जिब्राइल तेरी सिफारिश तो कबूल है मगर इसकी खता क्या है तुम जानते हो? खता यह है कि जब मेरा हबीब शबे मेराज आया था तो ताजीम में इसने जरा कमी की। सलवा दे दिया महान, यानी ताजीम की थी, ताजीम की थी, लेकिन जैसा चाहिए वलवले ताजीम उसने कमी थी। इस कमी की बदौलत कुदरत ने महतूब करके पहाड़ के दामन में फेंक दिया। न वो शान है, न वो शौकत है, न मलकूत है, न वो तमाम चीज़ें हैं। लिहाजा मुझसे कहा, मैंने कहा कि पालने वाले से बख्श दे उसको, तो वहाँ से खिताब हुआ ए जिब्राइल अगर चाहते हो तुम तुम्हारी सिफारिश कबूल करूं तो एक शर्त है, और वो ये है कि जाकर उससे कहो कि मेरे हबीब पर सलावात भेजे। कहते हैं जिब्राइल
मैंने कहा और उस फरिश्ते ने सलावात भेजी बारगाह रबूबियत से, फिर वही मरातिब उसे नसीब हो गए, आसमान पर चला गया और जाकर उसी शान और शौकत से बैठ गया। ये वाकया जिब्रील ने बताया कि वो फिर चला गया। मैंने जब ये वाकया पढ़ा तो बड़ा अच्छा है, मगर इससे ही मुझे समझ में आया कि ताज़ीम रिसालत वो चीज़ है कि अगर मलक भी कमी करे, न करे का सवाल नहीं है, कमी करे तो मातूब होता है। हम कैसे इंसान हैं जो नदी की ताज़ीम को भी गवारा न करें और उनकी ताज़ीम भी न करना चाहें। यहाँ तक कि अब तो आवाज़ें आती हैं कि सलावात भी उन पर न भेजी जाए। तो जिसकी ताज़ीम की कमी पर एताब आता हो, अगर उसकी ताज़ीम की जाए तो सवाब यकीनी होगा। वाकया पढ़ के मेरे दिल में यह आया कि ये तो सब कुछ हुआ। जिब्रील ने कहा, सलवात भेज के अपने मर्तबे को पहुंचा, मलाइका में जाके बैठा, फिर मैं कान लगाए था, आंख लगाए था किताब पर कि शायद आगे इसके आता हो कि उसने मलाइका पर फख्र किया होगा। कहीं नहीं मिला वरक सादा, यानी ये न कह सका कि मलक पर फख्र करे, नहीं फख्र किया। है न कोई मंजिल, सलवा दीजिए। है कोई मंजिल? हाँ, वहां देखना है। और आपको मालूम है वाकया मुझे बयान करना नहीं है कि मैं बयान करूं। वो फितरुस मलक जो 700 बरस से बाल पर शिकस्ता जजीरे में पड़ा, 700 बरस। और क्यों हुआ था ऐसा? कोई गुनाह नहीं, कोई सच्ची बात नहीं, सिर्फ यह है कि अल्लाह ने कहा एक काम के लिए तो जरा ताखीर हो गई, काम अंजाम दिया मगर जरा, बस जैसे हमा शुमा में होता है कि कहा कि भाई जरा अच्छा उठाता, इतना अच्छा उठाता हूँ, थोड़ी देर जो मिजाज उलूहियत बरहम हो गया, ये ताखीर मेरे काम बाल पर तोड़ के फेंक मातूब होकर चले। 700 बरस तारीख दाह है। आपको मालूम तो होगा कि हमारे नबी और ईसा के दरमियान में कितना जमाना गुजरा? 600 बरस। था न ईसा के जमाने, था ईसा के जमाने, मगर ऐसा बीमार था जो मसीह की तरफ रुजू नहीं करता, मसीह की तरफ नहीं रुजू करता। सबको शफा दे दें, जानता है कि रूहुल्ला, मगर चुप है, नहीं मालूम क्या बात है, हमें नहीं मालूम। लो वो दौर गुजरा, वो जमाना गुजरा, और एक मर्तबा मशीयत नुक्ते इख्तिताम पर खत नबूवत को पहुंचा रही, और वो वक्त आया है आलम में इनकलाब हो गया, और एक मर्तबा अल्लाह के आलम का हबीब जनाब मोहम्मद लीजिए वो भी आ गए। उनके आते ही क्या क्या नहीं हुआ, इनकलाबात क्या क्या चीजों में क्या क्या चीजें सब कुछ हुआ, मगर ये है कि खामोश। शफीउल मुज़नबीन आया मगर चुप, देखते ही देखते काबा मुस्कुराया और अमीरुल मोमिनीन आया। सुनते ही सुनते नकाब मशीयत उल्टी और सिद्दीक़े कुबरा सैयदाए नज़ाए आवाज़ गूंजा इस्मत का और हसन मुश्तबा सब सुन रहा है। सब सुन रहा है लेकिन जुम्बिश नहीं, खामोश खामोश। क्या कहना उसके, कनात की तारीफ करूं, तवक्कुल की तारीफ करूं, काहे की तारीफ करूं, किस बात की? अल्लाह रे दूरबीन, अल्लाह अल्लाह, चश्मे जस्तजू कहां पहुंची। खामोश, अब भी खामोश था, अभी भी खामोश।
लेकिन एक मरतबा देखता है कि आसमान के दर खुले, उधर की दुनिया इधर, मला अबलग घोड़ों पर सवार, जिब्राइल अलमदार आगे आगे चले आ रहे हैं, फिजा में एक अजब अंदाज है। बरादरी के लोग पहचान लिया, पूछता है कौन भाई जिब्राइल, कयामत कायम है? नहीं कयामत, अरे कयामत से क्या, कहाँ जा रहे हो? तुझे खबर नहीं है? खबर नहीं है? आज अल्लाह के आलम ने अपने हबीब को वो नवा सादा किया है। हम सब मिलके उसकी मुबारकबाद को जा रहे हैं। बस ये सुनना था, अब करवट बदली, अंगड़ाई, भाई जिब्राइल मुझे भी लेते चलो। जर्रा बराबर जिब्राइल ने उजर नहीं किया कि पूछ तो आऊं। मलक तो बगैर हुक्म के काम नहीं करता, कहते भाई ठहरो जाके पूछ आऊं कि तुम्हें ले जाऊं या नहीं। जी नहीं, कुछ उजर नहीं, आओ। ले लिया मलक ने, अपने बाजुओं पर उठा लिया। देखा आपने, हुसैन का इरादा हुआ सलावात, मैं कहता हूं खुश नसीब है ऐ फितरत, क्या कहना तेरे मुकद्दर का, क्या वक्त इंतखाब किया है, क्या मौका इंतखाब किया है, और चला है और मलक लेके चला हुसैन की तरफ, चलने में कैसी सवारी मिली, सलवा दे ये कैसी सवारी मिली है कि जिस पर तू जा रहा है और ला रहा है जिब्राइल और ला के पहुंचा रहा है, और जब यहाँ आता है तो आके जिब्राइल उसे सामने डाल देते हैं। देखा आपने, ये नजाह है इंतखाब, पंचन में उसने चुना है हुसैन, वो तो मासूम है ना, गलत तो नहीं होगा, गलत तो नहीं होगा। हमसे क्यों पूछते हो कि ज्यादा हुसैन से क्यों मोहब्बत है, हम क्या बताएं, उससे पूछो जो गुनहगार है। खलवा दे ये बड़ा समझदार, समझ गया बुजुर्गों को राजी करने के लिए बेहतरीन तदबीर ये है कि घर के छोटे बच्चे को राजी कर, बच्चा मचल जाएगा तो बुजुर्ग मजबूर ही हो जाएगा। ज्यादा किसी से नहीं कहा, आने दो हुसैन को, सबके प्यारे ये हो, जब सबके प्यारे होंगे इन्हीं से कहो भला इनके कहने के बाद रसूल नहीं करेंगे, अली नहीं करेंगे, हसन नहीं करेंगे, सब प्यार करेंगे, ज्यादा इनकी बात कोई रद्द नहीं करेगा, ज्यादा हुसैन का दामन उठेंगे। आकर जिब्राइल ने जब कहा है तो फिर आपने फरमाया कि फिर क्या है जिब्राइल, कह दो ना, कह दो गहवारे से जाके अपने को मस कर, आया है तवाफ किया है गहवारे और मस किया है गहवारे से अपने को, जो जो मस करता जाता था बालों पर निकलते चले आ। बालों पर रोईदा होते जाते और काबे इमामत का तवाफ कर रहा और सही इतनी मशकूर बनती जाती थी, मुकम्मल बाल पर जैसे थे वैसे हो गए, और जब हो गए हैं बाल पर तो फिर परवाज करके फलक पर गया और जाकर वहां मलक के बीच में बैठा है। भला कोई मुजरिम कैद खाने से छूट के आए तो बरादरी में फख्र करेगा, तो सलवा दे दीजिए। खुदा जानता है मलाइका की आंख में आंख डाल के एक एक मलक को देख रहा, कहता कौन है मेरे बराबर, कौन है मेरे बराबर, क्या है? मैं वो हूं जिसे हुसैन ने आजाद किया, कौन है मेरा बराबर, मुझे हुसैन ने आजाद किया। मलाइका सर झुका लेते,
और आजाद कर गए हुसैन सरबलंद सरफराज। कहता फख्र कर रहा है मेरा शफी हुसैन इब्ने अली, मेरी शफात हुसैन ने की। हालांकि बोले नहीं थे हुसैन को, सिर्फ गहवारे को मत किया। बड़ा अच्छा हुआ हुजूर, ये नहीं था कि हुसैन को मत कर, वरना आज हम हाथ मलते। हाँ कहाँ मिलेंगे हुसैन कि इनसे हम अपने को मत करें, गहवारे को मत कर, ताकि कयामत तक परवाना ए हुसैन जितने आए और जितने दोस्तदार आए उनको मौका रहे कि जाए और जरी को मत करते चले। आज हमारे लिए भी मगफिरत का दर खुला, जरी से मत करें हुसैन के गहवारे से। वो जिंदगी की ख्वाबगाह है, ये शहादत की ख्वाबगाह। वहां मलक बख्शे जाते हैं, यहाँ हम बख्शे जाते हैं। माफ करें और तवाफ करके गुनाह बख्शवा लें और मगफिरत हो जाए। और आपने देखा अल्लाह रे तहारत हुसैनी, अल्लाह रे तहारत हुसैनी, ये इतना भी नहीं गवारा कि तर्क औला सही है। तो गुनाह ना सही, तर्क औला तो है, मगर तर्क औला भी वाला भी हुसैन से मस ना। ये इंतहा तहारत, इंतहा तहारत खिलवा देगी। तर्क औला वाला भी मस ना हो, जब भी तो गहवारे से मस कर, अपने को ना मत करना। तू मलक है तो तर्क औला तो हुआ, और हम अहले बैत से कभी तर्क औला भी नहीं होगा। लिहाजा मस होना भी गवारा नहीं। अब यही बात थी, बस एक जुमला करके आपकी रहमत खत्म करता हूँ। यही बात थी कि विलादत बासआदत का एहतमाम, लगिया का आना, जन्नत से आना, सामान का आना, का शान है सिद्दीक़े ताहिरा में। आज जमीन का मकान नहीं है, जन्नत का बेहतरीन टुकड़ा है। साकिनाने जन्नत आ रहे हैं, लगिया आ रही है, फर्श आ रहा है, मसनद आ रही है, सब कुछ उधर से सामान है। यानी है बशर मगर मुंतजिम वो है भाई, अपने अपना सभी इंतजाम करते हैं। लिहाजा आलुल्लाह है, सब इंतजाम उधर से हो रहा है, मगर हुसैन भी ऐसे गैरतदार हैं, तूने मेरे लिए उधर से भेजा लाया को, मैं इधर से भेजता हूँ फितरुस को, फौरन भेज दिया ताकि उधर से तू भेजे इधर से मैं भेज। तो जब हुजूर वाला विलादत हुई है तो पैगंबर इस्लाम आए और आवाज दी, लाओ मेरे फर्जंद। उम्मे आयमन ने इतना कह दिया, यार सुल्ला जरा ठहर जाइए, मैं उसको पाक तो कर लूं, गुस्ल तो है मुस्तहब, बस बरहम हो गई मिजाज रिसालत का, तू पाक करेगी? ला मेरे फर्जंद को अल्लाह ने पाक करके भेजा। अल्लाह ने पाक करके भेजा, लिहाजा पैगंबर ने कह दिया कि दुनिया में अब किसी को पाक करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने पाक करके भेजा, ला मेरे पर्सन को। एक बात कहूं मैं तो बड़ी हैरत में पड़ गया, मगर कहूंगा सिद्दीक़े ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा, सल्लल्लाहु वसल्लमु अलैहा, जब आपकी विलादत बात आदत हुई और तमाम आई हैं उधर से, हव्वा मरियम और फलां फलां सबको अल्लाह ने भेजा, सब कुछ हुआ, तो उसके हालात में मुझे ये मिला कि आखिर में खल्लाक़े आलम की तरफ से आब कौसर काश सामान आया उधर, और हजरत फातिमा जहरा को उन आने वाली पाक और पाकीज़ा हस्तियों ने गौसल दिया, नहलाया, और हुसैन हुए तो आज वही गुस्ल हो रहा। मैं बड़ी हैरत में पड़ गया, एक घर की बात बोलूं तो क्या।